आज घर की थोड़ी स्थिति सही है तो हम घर का शॉट ले पा रहे हैं गाइस। एक्चुअली थोड़ा ऐसे होता। अभी हाँ भी हाउस टूर जितनी सही नहीं है, बट यार आज ऐसा थोड़ा ठीक लग रहा घर घर है। सा लग रहा है। थोड़ी सी स्थिति सुधर गई है, हमारे चेहरों की स्थिति भी सुधर गई है। नहा लिए हैं और ले लिया है माइक का बैग। मौसम कितना प्यारा हो रखा है शिल्पा, समर में मजा आ रहा है क्या कह रहे हो? मैं बोल रही हूँ समर है तो अपने इंडियन कुर्ते भी पहन पा रही हूँ, सो एक्साइटेड। शिल्पा मुझे डायरेक्शन दे रही है, मैं ऑलरेडी गलती करने वाला था। शिल्पा इज लाइक वो 1-2 सेकंड जो शुरू की होती है उसमें रुका करो और उसके बाद कुछ स्टार्ट किया करो। आई एम लाइक ओके, क्योंकि वो कई बार रिकॉर्ड नहीं होता और फिर शुरू का आपका ऐसा रहता है मतलब आधा वर्ड कट के और फिर आ रहा होता है, फिर मैं एडिटिंग में सोचती हूँ कहाँ गया शुरू का पार्ट, मैंने तो नहीं काटा। कैसा लग रहा है सचिन विस्बाडन की तरफ जो गलियां जाती हैं वो लेके? टमी नहीं है लेकिन टमी से क्या लग रहा है। हाँ विस्बाडन की गलियां बड़ी याद आती है तो अच्छा लग रहा है घर चल के। एक टाइम था जब हम ऑलमोस्ट रोज जा रहे थे वहाँ, कभी घर देखने कभी कुछ कभी कुछ, कभी घर फाइनल करने, हाँ फाइनल ऑलमोस्ट, कभी फाइनल। बस उस एरिया की फील लेने, कभी उस एरिया को दिन में देखने कभी उस एरिया को शाम में देखने। अब तो काफी कुछ बन गया होगा, लाइक वहाँ अब तो पूरा बन गया होगा। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है एक्चुअली देखने के लिए कि वो एरिया कैसा है, और आपको दिखाएंगे कि हमने कौन सा घर लेने का सोचा था और फिर कैसे कैसे कैंसिल हो गया। हो गए, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, फोकस फोकस करना बहुत जरूरी है, ऑटोमान पे फोकस बहुत जरूरी है। हाँ, ये मिनी ऑटोमान है। तो पहुँचते हैं इस बार्डन और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। मैं हूँ उन लोगों में से जो हमेशा लेट हुए हैं जिंदगी में, और सचिन है उन लोगों में से जो टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। सचिन के चक्करों में मैं भी वैसी होती जा रही हूँ, मतलब होना पड़ता है मुझे कह 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 अवॉइड करने के लिए। तो अब सचिन खुद ही कह रहे हैं आज, अरे यार बहुत जल्दी पहुंच गए, लग रहा है 20 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। 20 मिनट पहले नहीं पहुंचेंगे, 10-1 मिनट पहले पहुंचेंगे। 15 मिनट पहले तो बहुत आराम से पहुंच रहे हैं, अपना कवर अप मत करो, मैंने कहा था 1-10 मिनट की नींद और लेने दो। पहुंच गए हम ऑलमोस्ट उस एरिया में, देखते हैं कैसा निकलने वाला है ना। एक्साइटेड काफी, ऐसे excited. हो रहा है थोड़ा देखने के लिए कि अरे यार अब कैसा होगा, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। मैं शायद एक बार आया था इधर। आप तो आ गए बीच में एक्चुअली। हाँ, मैंने अंकित को शिफ्ट शिफ्ट करवाया था। अरे वैसे ही लग रहा है अभी तक तो, आधा तो ये वाला कंस्ट्रक्शन तो अभी तक चल रहा है। ये वाला कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, ये वाले घर तो 1 मिलियन यूरो वाले में तो सब सेटल हो गए लग रहा है। वहाँ पार्टी, वहाँ पार्टियां चल रही है भैया जी, क्या बात है। ये वाला फ्लैट अपन लेने वाले थे। हाँ ये फ्लैट वो तो उधर वाली बिल्डिंग से शुरू किया था और फिर, अरे ये तो पूरा बन गया यार, गार्डन नीचे वाला। ये दिखाओ फ्लैट दिखाओ। दिखाती हूँ आप लोगों को। ये वाला फ्लैट का भी एक ऑप्शन था और उसमें ग्राउंड फ्लोर में गार्डन भी था, गार्डन वार्डन भी काफी रेडी हो गया है। सही लग रहा है वैसे। हाँ वैसे बड़ा बड़ा ही लग रहा है। हाँ देखने जा रहे हैं वो घर जिसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नोटार का पेपर बेसिकली ऑर्डर कर दिए थे। हाँ, और बुकिंग बुकिंग कर दी थी घर की। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते तो बहुत पैसे लग जाते हैं हमारे। हाँ वही वही वही। और बाकी लेट्स सी, बहुत बुरा लगने वाला है यार क्योंकि आई एम श्योर वो घर बहुत अच्छा लग रहा होगा अब तो। ये भी बन गए, ये वाले भी सारे, ये भी पूरे बन चुके हैं। हाँ यार ये भी सही लग रहे हैं। अच्छा, और काफी सारी इंडियन फैमिलीज भी इस एरिया में मूव हुई और पूरा इंटरनेशनल, मतलब जहाँ तक मेरे को जो रिव्यू पता चला है अंकित से और बाकी वो जो एजेंट था उससे, कि मल्टीकल्चर सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी बन रही है ये वाली। बहुत सही है ये जगह। ये वाला दूसरा फेज आ रखा है जो घर बनने वाले थे ना उनका। हाँ यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अभी आने वाली है लेन, बस जो अब इस गली में आने वाला है हमारा वाला घर सचिन। कौन सा वाला था हमारा? ये वाला, ये ना, ये वाला। ओ यार कितने फूल वूल लग के सब तो हो गया, गेट वेट सब बन गया भैया। किचन की खिड़की भी खुली है, ऊपर वाले रूम की भी खिड़की खुली है, कोई तो रह रहा है। ये कॉर्नर का गार्डन, वाह बच्चे की साइकिल भी खड़ी है, अच्छा है काफी डिसेंट। और बीच में से रेलिंग वेलिंग लगा दी है बंदे ने, साइड वाले ने, तो आपके लिए बेसिकली पूरा का पूरा सेट है यार, इट्स वेरी नाइस। इसको आगे से भी देखना चाहती हूँ बट आगे गाड़ी नहीं जाएगी ना, आगे उधर से उनके घर से वॉक करके आ जाएंगे। हाँ और ये सारे घर यहाँ कितने सुंदर सुंदर है, बहुत सुंदर है यार ये लोकेलिटी, कितना ही मजा आता है इसमें घर लेके रह रहे होते तो काफी ज्यादा। अब जो ट्रियर में किराए के घर भी नहीं मिल रहे ढंग के। ये देखो सारे, पार्टियां वार्टियां, गार्डन वार्डन पूरा चल रहा है यार, लोग तो फ्लावर लगा रहे हैं।
जब आए थे यहाँ देखने तभी भी वाह वाह भी करके गए थे। क्या बात है। और अभी बस वाह भी चल रहा है। कितनी सही कॉलोनी है यार, ये पूरी नई बनी हुई है, वाई भी अलग है। ओह विथ हैवी हार्ट आई डोंट नो व्हाट टू से। तो हम लोग को आके बहुत देर हो गई, हमने खाना वाना खा लिया, अब शाम हो रही है, तो हम लोग ने बोला चलो कॉलोनी में घूमते हैं। इस कॉलोनी से बहुत पुराना यादें जुड़ी हुई है तो, और हाँ। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, अंकित, दीपिका, वो वाले फ्रेंड्स जो हमें घर दिला रहे थे फाइनली ये है वो फ्रेंड्स अंकित और दीपिका। इनकी बदौलत हमें बहुत बढ़िया एक घर मिलने वाला था, लेकिन वही ये किस्मत में लिखा नहीं था। क्यों अंकित तुमने सुनी नहीं? हाँ एक्चुअली इनकी और अभी रह के यहाँ पे पूरे कॉलोनी बस गई, तो कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा मतलब जो हमने सपने संजोए थे सारे ऐसा लग रहे हैं साकार हो गए। बट यार नाउ इट्स गुड। आई थिंक हमें आके जितना मिस आउट करके लग रहा है उतना ही आप लोगों रह के कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा होगा। गार्डन वार्डन बन गए हैं, मजा तो नॉट। गाइस ये जो अमेजिंग अमेजिंग घर देख रहे हो ऐसा ही इनका है। एक थोड़ी सी झलक आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पहले पूछते हैं अंकित दिखाने देगा कि नहीं। बिल्कुल। और ये इनका छोटा सा क्यूट सा बेटा है नीम। इसके तो पास में बैठ के वीडियो बनाना पड़ेगा। नीम यू वांट टू कम इन द वीडियो? कम लीव द साइकिल नाउ। अरे गिरा दी इसकी साइकिल। ये है नीव, ये भी हमारा पड़ोसी हो सकता था। ये आपने Say बहुत hi. बड़ा मिस किया। से हेलो। हेलो हाउ आर यू? जर्मन में बात करो नीव से। क्यूनन सी बिटे ऑफ डॉयच जागन वी गेटस डियर। हेलो हेलो। इतना बोल दिया बहुत है। चलो इसके लिए लाइक बनता है वीडियो के अंदर। तो गाइज ये वाला घर था जिसको हमने ऑलमोस्ट खरीद लिया था। क्या सही लग रहा है अब तो पूरा बन के। गार्डन भी इतना बड़ा है यार, एकदम सन आ रहा है तो गार्डन नहीं आ पा रहा। रुको, हाँ अब दिख रहा है मस्त। सो गाइज ये वाली बालकनी होती है, अभी अगर अंदर घर के कोई है तो GDPR इनकी हो रही है वॉयलेट। और ये वाले अगर फ्लैट्स में कोई लेता है तो उसको ये वाला गार्डन भी मिल रहा था, विच वॉज अगेन स्टील डील। गार्डन नहीं, अच्छा गार्डन व्यू। पूरा ये जमीन नहीं मिल रही है। इंडिया में नहीं होता खेत, व्यू तो काफी अच्छा होता ना। तो अभी आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग घर दिखाएंगे, जो घर होते हैं बाजीगर्स के, और बाजीगर से बात भी होगी फोन पे, उनसे मिलाते हैं आपको। ये वाली कौन सी क्लास बैठेगी? ये फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है क्या? एमिरेट्स वाली फर्स्ट क्लास? बिजनेस क्लास। अच्छा उस तरफ इकोनॉमी। अरे नहीं उधर है प्रीमियम सॉर्ट ऑफ। नीव बड़े मजे ले रहा है एम्प्टी स्पेस के। ये वाले घर कितने बढ़िया लग रहे हैं, मतलब इनकी गाड़ियां देख के ही पता लग रहा है कि इनके पास क्या है क्या नहीं है। और इनके पास में खेत का भी, और सनसेट कितना तगड़ा हो रहा है। तुम लोग सही कह रहे थे, देवर लाइक इनको क्या सनसेट और वो खेत मिलेंगे। यहाँ पे एक झूला है, हाँ वहाँ पे बैठ के आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। तो वो झूला खाली बाजीगर्स को अलाउड है कि प्रीमियम इकोनॉमी वाले आ सकते हैं? चलो फिर ठीक है। लेकिन यार बहुत बढ़िया लग रहा है ये वाला, नो डाउट। आई मीन शिल्पा अपन लोग तो गाड़ी चला के स्विट्जरलैंड जाते रहते हैं, फिर कोई हाईवे पे जाते हैं, देन वी आर लाइक ऐसे सनसेट कितने सुंदर है यहाँ पे। कॉलोनी मुझे लग रहा है पूरी वीडियो बनाने के लिए सॉलिड है। झूले की बात कर रहे थे अंकित, व्यू झूला। हमको लगता था जर्मनी में ऐसे घर नहीं होते, हम गलत थे। घर सारे यूएस कनाडा में ही नहीं है, बड़े घर जर्मनी में भी होते हैं। और आज देखने मिला है, होपफुली अगली बार आपको भी टूर देंगे और बाजीगर से मिलवाएंगे। दो बाजीगर हैं। गौर से देखिए इस इंसान को, आज है संडे, आज है वो दिन जब वादा हुआ था हाउस टूर वीडियो शूट करने का, अब ये इंसान कह रहा है नहीं करते हैं ना हाउस टूर। मुझसे शर्तें लगाई जा रही हैं कि अगर तुम हाउस टूर नहीं करोगी तो मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। क्या कहना है इस इंसान के बारे में? मैंने शिल्पा को बोला बिट खाइन हाउस टूर हॉइटे अब वारूम इशाब खाइन लुस्ट में इशाब खाइन एनर्जी फॉर द यू नो हाउस रायनिगुम। मुझे ही नहीं समझ में आ रहा लोगों को क्या काट समझ आ रहा होगा। मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है गाइस, इस संडे को मैं संडे की तरह जीना चाहता हूँ। पढ़े रहना चाहते हो? नहीं आराम से रेस्ट। हाँ उसको पढ़े रहना बोलते हैं क्या? हाँ ओके बाय गाइस। आज का दिन तो एकदम वैसे वाला दिन है कि यू नो ऐसा नहीं होता कि बस पढ़े रहो पूरे दिन,
कोई खाना भी बेड पे दे दे, मुंह भी नहीं धोना है, एकदम वैसे वाला आलस है, पता नहीं क्यों ऐसे एकदम पूरा टायर्ड फील हो रहा है बहुत ज्यादा। बट somehow हमने हिम्मत करके, मैंने खाना भी बना लिया है, सचिन ने काफी कुछ साफ सफाई करके घर रेडी कर लिया है कि हम शायद हम शूट कर सकते हैं हाउस टूर। बाकी मैं दिखाती हूँ मैंने खाने में क्या बनाया है। तो ये है आज का खाना, रोटी, जीरा आलू, मूली, दाल, दही। क्या अचीव किया है अभी बताओ। मैंने वो युद्ध जीत लिया है घर क्लीनिंग का। आज तो हमने गढ़ जीत लिया, लिटरली घर साफ हो गया, पूरा सेट हो गया और हाउस टूर वीडियो शूट हो गया, ये अभी डन किया बस। फाइनली जोर तो बहुत आ रहा था बट हम दोनों ने हिम्मत दिखाई और फाइनली हो गया हाउस टूर वीडियो डन और संडे भी हो गया डन। अब घर वाले एंटर कर सकते हैं, इस स्थिति में हम लोग घर को लेके आ गए कि ऐसा एंटर करते, अबे ये क्या है हॉस्टल। तुम तो अच्छी जगह रहते हो। नहीं पहले अगर घुसते हॉस्टल में हो क्या, पहले हॉस्टल में, पहले बोलते कबाड़ खाने में रहते हो क्या, अभी थोड़ा सा ऐसा लगेगा हाँ रह रहे हो। हाँ ठीक है, ठीक रह रहे हो, बुरा नहीं है। और बाकी गाइस बहुत थक गए आज somehow, सुबह से ही बहुत ही टायरिंग लग रहा था। सो हाउस टूर वीडियो भी जल्दी आ जाएगा और बाकी ये व्लॉग अच्छा लगा हो वीकेंड का हमारा तो इसको प्लीज लाइक करना और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, कल मंडे।